कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और किस तरह से आपका क्राइटेरिया रहता है अपनी फ्रेंचाइजी देने का? इनफैक्ट हमने अपने जो अच्छे टीचर्स होते हैं जी, जो डेडिकेटेड हैं और जिनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी होती है, उनको हम 2 सेंटर या 3 सेंटर का इंचार्ज बना देते हैं। उनको हम असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे के और उनके जिम्मे 3 सेंटर या 2 सेंटर दे देते हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे उनका कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही 3 असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर लगा देते हैं जो उनसे फीडबैक लेते रहते हैं जी। और उस डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्टिंग डायरेक्ट हेड ऑफिस में डायरेक्टर्स के पास रहती है। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो वो सारा सिस्टम जो है डायरेक्टली ही चल रहा है, बट उसको हम लोगों ने डेलीगेट कर दिया है नीचे। हाँ, डिसेंट्रलाइज कर दिया है जी। उनको डूज एंड डोंट्स डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद वो उनके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी हम बना देते हैं, सिस्टम हम बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू करा लेते हैं जी। और जहाँ जहाँ फिर टाइम टू टाइम ये पता लगता है कि ये पॉलिसी जो बनाई थी इसमें दिक्कतें हैं, उसको मॉडिफिकेशन होती रहती है। अब केरला के स्कूल का जो टाइमिंग होते हैं, श्रीनगर के स्कूल के टाइमिंग है, उनके एग्ज़ाम के टाइमिंग अलग हैं, तो उनके हम टेलर मेड करके एज पर द स्टेट पैटर्न चेंजेस करके उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जी। सुनील जी, आप बताइए, जब कोई इस तरह से अपने इंस्टीट्यूट को आगे एक्सपैंड करते हैं इतने और लोगों के मदद के साथ, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे को लगता है मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से ये खुद एंटरप्रेन्योर बने हैं पहले, उसके बाद ये और एंटरप्रेन्योर उसी में से डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया चौधरी साहब ने, कि एक टीचर जो अच्छे हों और जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी हो, तो उनको 2-3 सेंटर दे दिए, तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन गए एक तरीके से, क्योंकि वो उन सेंटर को रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक टीम बिल्ड हो जाती है। तो जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं और जो नॉन फॉर्मल हैं, उनमें आपको रिजल्ट्स का और उसमें एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो 0 टॉलरेंस बनाने पड़ते हैं, उसमें आपको 100% एफिशिएंसी से काम करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे आपने बताया अभी चॉइस साहब ने, कि हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम बना दिया, जिसे हम बोलते हैं MIS, कि डेली रिपोर्टिंग सिस्टम आ गया, तो हमें पता लग गया। इन्होंने जैसे जो मॉडल बनाया है कि हमने सब्जेक्ट पूरे अपने करिकुलम को आवर्स में बांट दिया, हाँ जी, कि भाई एक वीक में इतनी ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, सेगमेंटेशन कर दिया हमने जी, 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 और फिर उसको करके हम आवर तक ले आए, हाँ, कि आपको मंडे को इतने घंटे में ये कोर्स जरूर कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने एक एग्जाम देना है। मेरे को लगता है कि जो बच्चे कोचिंग किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी ये मॉडल अपनाना चाहिए जी। और ये जो पैटर्न है, अगर देखा जाए तो खासा तौर में इसमें अपने आप में ही एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास अपने मिनट मिनट का हिसाब हो। बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की थी, आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। स्कूल के साथ साइड बाय साइड कोचिंग सिर्फ इसलिए चलती कि अगर बाय चांस बच्चे स्कूल में वो चीज ग्रैप ना कर पाए तो वो कोचिंग में ग्रैप कर लेते हैं। बच्चे भी मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी में, एक हो गए वीक, हो गए एक मिडल में आते हैं और एक आई थिंक हाई में आते हैं। आई थिंक जो वीक और मिडल लेवल है उनको आगे ग्रो अप करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोचिंग में पढ़ें। अभी स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि हम कोचिंग में कहाँ से पढ़ाएं, कोचिंग की फ़ीस तो और भी ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद स्कूल की ही फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोचिंग की कैसे अफोर्ड करेंगे, तो उनके लिए आप लोग कुछ करते हैं? हमारा हर साल पिछले 7-8 साल से एक एग्ज़ाम होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, एंथे के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे करीब करीब 2.5 लाख बच्चे टेस्ट में बैठते हैं। और राइट फ्रॉम 8th क्लास टू 12th क्लास, तो इन बच्चों ने जो टेस्ट में बैठते हैं इनकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसमें 100% फीस माफ़ के भी करीब 300-400 बच्चे जो टॉप के होते हैं वो ले जाते हैं, बाकियों को 90% स्कॉलरशिप मिल जाता है, 80% डिपेंडिंग ऑन मेरिट। तो अगर बच्चा मान लीजिए पढ़ाई लिखाई फाइनेंशियली बहुत वीक है और पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे एंथे के थ्रू वो फ्री पढ़ सकता है 2 साल तक। वेरी नाइस। तो हमारे अक्टूबर में हर साल टेस्ट होता है, अक्टूबर नवंबर में। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर जी, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, इनका भी हम एक इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस इन द मंथ ऑफ जून, कि ये बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं 9th, 10th, 11th और 12th तक पढ़ेंगे जी, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं जाएंगे। और ये बच्चे जब मेरिट में आते हैं तो ऐसे 25 बच्चे मेडिकल में और 25 इंजीनियरिंग में दिल्ली में, 50 बच्चों को पिछले 14 साल से हम फ्री पढ़ा रहे हैं
उनमें कोई ड्राइवर का बच्चा है, कोई टेलर का बच्चा है, कोई रेड़े वाले का है, और इनको भी हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है जो फ्री पढ़ा के इन बच्चों को जो। वेरी नाइस। सुनील जी, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एजुकेशन के अंदर? एजुकेशन बिगर टेक्नोलॉजी के सब तक नहीं पहुंचाई जा सकती, ये असंभव है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसीलिए जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पहुंचेंगे तो वहां पर अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और एजुकेशन भी पूरी मिलेगी और बाकी एंटरप्रेन्योर भी और बनेंगे। जी, ये बिल्कुल सच बात है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में आना तो मस्ट है, मतलब टेक्नोलॉजी में अगर हमारा बैंडविड्थ वगैरह अच्छी हो जाए जी, और सस्ती हो जाए, टिकाऊ रह जाए जी, तो इससे तो रिवॉल्यूशन आ सकता है। एक गांव गांव में बच्चे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, वही बेस्ट टीचर पढ़ा सकता है जो दिल्ली में पढ़ा रहा है जी। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं, आप श्रीनगर की बात कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, नागालैंड, टागा, वहाँ हर जगह से लोग जो हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। आपने अभी कहा कि बैंडविड्थ जो है वो थोड़ी महंगी है, इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से 6 लाख विलेजेस जितने हमारी कंट्री में हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, और निसंदेह उनको जो जो बैंडविड्थ दी जा रही है और उनको जो रेट है वो बहुत कम है, और 2.5 लाख विलेजेस तक पहुंचने का जो हमारा आइडिया है वो तो बहुत जल्दी हम अचीव करने वाले हैं, क्योंकि जब वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से इंटरनेट पहुंच जाएगा तो वो अपना एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं और उसी के माध्यम से गवर्नमेंट से कनेक्ट भी रह सकते हैं वो। बिल्कुल। और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल बिहार से आया है, चंदन जी हैं, और आप कहते हैं कि आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, करंटली अनएम्प्लॉयड हैं और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं क्या इन्हें स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल सकता है। चंदन जी, मैं बताना चाहूँगा, जरूर मिल सकता है। स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम है उसमें हर बैंक की हर ब्रांच को एक SC ST कैटेगरी और एक विमेन कैटेगरी में लोन जरूर देना है। तो आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो SIDBI की एक वेबसाइट है standupmitra.in जी, उसमें जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। केरला से नागेंद्र कुमार जी हैं, और आप कहते हैं कि आप गलती से अलग अलग पैन नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए एक डीमैट अकाउंट के लिए और एक इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, तो ये जानना चाहते हैं इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। नागेंद्र जी को मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। दो पैन नंबर रखना अपराध है, आप एक ही पैन नंबर रख सकते हैं। आपको तुरंत एक पैन नंबर सरेंडर कर देना चाहिए और उस अकाउंट में भी अपना जो ओरिजिनल पैन नंबर है जो कि आप ITR में फाइल करते हैं जी, वो आपका ओरिजिनल पैन माना जाएगा। उसी पैन को सारे अकाउंट में सर्कुलेट करें इमीडिएटली। और अब हम ले रहे हैं वो सवाल जो ऑडियोज के माध्यम से आपने पहुंचाए हैं। मैं प्रदीप डोलरिया बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। लास्ट वन, मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ और मैंने आपका एपिसोड सोशल मीडिया पर देखा है, तो मुझे ये पूछना था कि आजकल सोशल मीडिया के बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए मेरे लिए अच्छा होगा? ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आपने ये नहीं बताया कौन सा बिजनेस है, क्या करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। मैं राजकोट से देवेन मुंगरा बोल रहा हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपका शो एक रेगुलर देख रहा हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इनकम टैक्स एक्सेस में पे कर दिया, तो मुझे इसका रिफंड कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स एक्सेस में दे दिया है, उसका रिफंड लेना बहुत आसान है। आपको अपनी ITR फाइल करनी है, ITR फाइल करते हुए आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल देनी होती है जी। उस डिटेल जो आप बैंक की देंगे उसमें आपका रिफंड अमाउंट अपने आप आ जाएगा जी। चौधरी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा समय हो गया आपको काम करते हुए, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो युवा हैं उन सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो एक व्यक्ति जब सक्सेस के द्वार तक पहुँचना चाहता है, आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है? पहली चीज़ तो यह है कि जो भी वो काम करना चाहता है वो उसके इंटरेस्ट और टेस्ट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात,
उसके काम करने में एक इच्छा रहनी चाहिए परफेक्शन की जी, और उसका माइंड वन ट्रैक चलना चाहिए, फोकस रहता है, फोकस रहता है, और जो उसका एम होता है उसमें उसको जीना पड़ेगा, उसी में उसको मरना पड़ेगा। तो हमेशा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना लाइफ के अंदर जी, और ईश्वर पे कॉन्फिडेंस रखना, इन दो चीज़ों पर ही सिर्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में हो तो आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये कही, क्योंकि जब तक हम खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम दुनिया का कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो उस ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो कि एक ख़ास सेगमेंट है हमारे गेस्ट के लिए, मैं चाहूँगी कि हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र हो जाए। मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं जी, तो उसका डिविडेंड आपको पूरी लाइफ मिलता है। वाओ, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई है नहीं। और अब चौधरी सर, हम लोग आ गए हैं उस सेगमेंट में जो कि है शिल्पा भावना स्पेशल। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, हालांकि सवाल तो मैं पूरे एपिसोड में पूछती आई हूँ, लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसके जवाब देने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, यू हैव टू बी वेरी क्विक। रेडी? यस। क्या कोचिंग स्कूल की पढ़ाई को सप्लीमेंट करती है या उसे कॉम्पिटिशन देती है? सप्लीमेंट करती है। क्या हर बच्चे को कोचिंग लेना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। और किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल। एंड आई मस्ट से हमारे जितने युवा हैं उन सभी को आपसे ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। बट बिफोर वी टेक योर लीव, हमारे पास आपके लिए खास एक तोहफा है बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए लगातार काम करता है, इसीलिए उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, फिर चाहे वो अपना हो या अपनों का, क्योंकि जब अपना दिल खुश होता है तो हम अपने व्यवसाय में 100% देते हैं, और जब अपनों का दिल खुश होता है तो हम अपनी ज़िंदगी में 100% देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के हर पल को दीजिए 100%, और शिल्पा भावना को इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज।